राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है, रणभेरी बच चुकी है और अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ही सरकार अपनी योजनाओं को गिनाएगी, जहां पर विपक्ष उनकी योजनाओं को खारिज करते हुए नई सरकार बनाने की अपनी कश्मकश में लगा रहेगा। ऐसे में कई ऐसे मतदाता हैं जो परंपरागत हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जैसा माना जा रहा है कि कोटा ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटर्स इस बार युवा हैं और युवा जिस तरफ भी झुकेगा उस तरफ की सरकार बनने जा रही है। लेकिन युवाओं की क्या सोच है, उनके दिमाग में क्या है कि वो किस सोच के साथ वोट करेंगे, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं, हम सीधे तौर से बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेके हम यही चाहते हैं कि जो हम जो भी जिनका भी इलेक्शन हो और जो भी इलेक्टेड हो वो ऐसा होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ गर्ल्स की सेफ्टी पे प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जैसा मणिपुर में हुआ है वैसा हम नहीं चाहते कि राजस्थान में हो। दूसरी चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट बेटर होना चाहिए, क्योंकि जब तक रोज़गार नहीं होगा और जब तक गर्ल्स की सेफ्टी प्रॉपर नहीं होगी तब तक गर्ल्स जो है रोज़गार के लिए आगे भी नहीं आ पाएंगी, और एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। तो कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की अभी सरकार? अभी जब एक साल से देखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार किस तरीके से काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा हुई या स्टूडेंट्स की सुसाइड का मामला हुआ, आप कोटा की बात ले लीजिए, कोटा में 5 महीने में इतने बच्चों ने, मतलब एक महीने में पंद्रह सुसाइड कर लिए स्टूडेंट्स ने। तो राजस्थान सरकार अपने चुनावों में लगी हुई है, कोई कोटा को सुधारने में लगे हुए हैं। मर्दों की बात करते हैं कि मर्दों की शहर है, तो फिर औरतें कहाँ जाएंगी कोटा से, जब या तो फिर औरतों को निकाल दो आप। और ये जो सुंदरता की बात कर रहे हो आप, कोटा को सुंदरता नहीं चाहिए, सुरक्षित शहर चाहिए, तो सुरक्षित बनाइए। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनमें कोई ध्यान नहीं है, राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं उसमें कोई ध्यान नहीं है, किसी ने भी राजस्थान सरकार ने एक भी स्टेटमेंट रेप के लिए नहीं दिया है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चुनाव लड़ रहे हो ना आप, तो आप ये रखो कि जीतना कैसे, आप महिलाओं के लिए खड़े रहो, स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहो, हर एक घर में आप जाइए, हर एक इंसान बेरोजगार रख, तो आप पहले उनको सशक्त कीजिए, फिर आपकी सरकार सशक्त होगी। दिमाग में क्या रहेगा, क्या सोच के वोट देंगे? वही रहेगा कि जो महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम करेगा और जो बेरोजगारी को ख़त्म करेगा उन्हीं को वोट देंगे। आप क्या सोचते हैं कि इस बार चुनाव में क्या सोच करके वोट दे रहे हैं आपके लिए? हम यही सोच कर वोट देंगे कि हमारी जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारे लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, वो ऐसा कुछ करे कि हमारे को हमारे रोज़गार के लिए काम करे, कि हमारे को हमारी एजुकेशन पूरी होने के बाद में हमारे को एक रोज़गार मिल सके, ताकि गर्ल्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। और ये जो रेपिस्ट हो रहे हैं या कोटा में जो आप सुंदरता बना रहे हैं, वो सुंदरता पर ध्यान ना देकर हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए, जो कि कैंपस में भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाहर की बात करें जाए तो वो बाहर पर ऐसी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए कि वो गर्ल्स को गाइड करें कि वो कैसे अपने आप को सिक्योर कर सके, ना कि कैंपस में, कैंपस के बाहर भी, तो हम उसी हिसाब से अपना, मतलब कुल मिलाकर कि महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा पहले नंबर पर है, क्योंकि कोटा एजुकेशन सिटी है और एजुकेशन सिटी के साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको सुरक्षा पहले चाहिए। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सीधे तौर पे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि ये जो अभी कोटा को जो सुंदर बनाने की बात हुई, जैसे कि रिवर फ्रंट वगैरह जो भी हुए, उसकी जगह अगर जितना पैसा इसमें लगाया अगर वो गांवों में जो लोग हैं उनके रोज़गार में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। आपके दिमाग में क्या है, आप वोट देने जा रहे हैं पहली बार, किस सोच के साथ वोट देंगे आप, किसको वोट देंगे, क्या रहेगा आप? हम ये वोट देना चाहते हैं कि अगर वोट हो तो मतलब शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार के नाम पर वोट, धर्मों के नाम पर वोट ना हो। युवाओं को शिक्षा और रोजगार की जरूरत होती है, इन सबकी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। धर्मों के नाम पर वोट लेते तो वोट की बहुत ज़्यादा, धर्म लोग धर्म के नाम पर लड़ते, धर्मों के नाम पर वोट देते। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के नाम पर वोट हो, एजुकेशन के नाम पर वोट हो, और वोट जो हो तो हमारे शिक्षा का प्रचलन को बढ़ाए, एजुकेशन को इम्प्रूव करे। अभी जैसे दिल्ली में केजरीवाल करा था, केजरीवाल ने स्कूल की शिक्षा को इतना बढ़ाया, इतना काम करा, वैसे शिक्षा राजस्थान में प्राप्त हो। मतलब कुल मिलाकर के शिक्षा के स्तर में भी सुधार होना चाहिए, ये इनका कहना है। कुछ और युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में जैसे गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स वगैरह का अच्छा होना चाहिए और स्टडी वगैरह का थोड़ा गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे गांव वगैरह में आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटी जैसी उनको मिलती है, जैसे शहर वगैरह या फिर दिल्ली वगैरह में हम देखें केजरीवाल जी की सरकार के टाइम पर उन्होंने जैसे फैसिलिटी दी है उनके गवर्नमेंट स्कूल में, वैसे यहाँ पर राजस्थान में उपलब्ध वो नहीं करा पा रहे हैं। हमारा कहना यही है कि वो गर्ल्स को अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दें उनकी स्टडी वगैरह के लिए, और उनको स्पोर्ट्स में आगे से आगे उनका प्रतियोग रहे गर्ल्स का।
रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है और महिला सुरक्षा की बात है, इसके साथ ही कोटा में जो विकास हुआ है उसकी भी बात हो रही है। कुल मिलाकर के जो युवा हैं उनकी सोच यही है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के साथ उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और इस सुरक्षा के साथ ही सरकार ऐसी चीज़ों को आगे लाए ताकि सुरक्षित ये अपने आप को महसूस कर सके। कुल मिलाकर के और कुछ बोलना चाहेंगे आपकी कि भाई नई चीज़ क्या राजस्थान में होनी चाहिए, जो ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही है इसकी बात करें या फिर यूं कहें कि जो दूसरा मॉडल है यूपी का मॉडल है वो लागू होना चाहिए यहाँ पर? हाँ, यूपी का मॉडल तो ज़रूर, क्योंकि अभी हम एक स्टूडेंट्स हैं और जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमारा ये होता है कि जब एक लड़की का, आप निर्भया का केस ले लीजिए, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी। निर्भया में उनकी माँ बोलती है कि मैं हर बार जाती हूँ पर वो सामने से जो रेपर है वो निकल के चला जाता है, हंसता हुआ निकलता है, उसको कोई रोकता नहीं है, या फिर उससे मुझसे इतने सवाल पूछे जाते हैं जबकि मेरी लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। तो कहाँ है सरकार, मतलब कुछ नहीं है। लड़कियाँ क्या, लड़कियों की, महिलाओं की इतनी सस्ती हो गई सरकार के लिए कि कोई ध्यान ही नहीं है। हमारे धारीवाल जी तो बोलते हैं मर्दों का शहर है, तो क्या मतलब मर्दों का शहर आप किस तरीके से बोलना चाहते हैं कि जब वो उनकी, जब वो बोलते हैं कि ना महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं तो कि क्या करें, मर्दों का शहर है कोटा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? या तो पूरा क्लियर कीजिए कि आप महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं, आपके लिए महिलाओं की इज्जत एक कुछ बहुत सस्ती है, तो हम वो क्लियर हो जाएंगे। कुल मिला के महिलाओं की सुरक्षा की बात है पर जो आने वाला जो समय है, जो 23 नवंबर है, जहां पर जिस दिन वोटिंग होगी, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई कोटा जो ज़िला है, इस कोटे ज़िले में जो सबसे ज़्यादा वोट डालेगा वो युवा है, और युवा ही इस बार विधायक को चुनने वाले हैं और युवा ही इस बार नई सरकार चुनने वाले हैं, कुछ और युवा हैं। कि आप पहली बार वोट करेंगे, दिमाग में क्या सोच है, क्या मुद्दे हैं आपके, कि किस सोच के साथ वोट करना चाहिए आपको? मैं इस सोच के साथ वोट करूंगी, मैं ही नहीं जो भी युवा पीढ़ी है वो सोच के साथ वोट करे कि हमारा एक एक मत राष्ट्रहित को जाएगा। अभी बात करें महिला सुरक्षा की, तो अभी जो अभी वर्तमान सरकार थी वो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को भूल चुकी थी, लेकिन अब हम पूरी युवा पीढ़ी, महिलाएं, छात्राएं ये अपील करती हैं कि जो अब सरकार बने वो महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे, जो महिलाओं के साथ लगातार रेप की घटनाएं होती हैं उन पर कड़ा सा कड़ा कानून ऐसे बनाएं जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। हम युवाओं की बेरोजगारी की बात करते हैं, तो जहां युवाओं की बेरोजगारी की बात करते हैं वहां पर सरकार शून्य हो चुकी है, इतनी सारी वैकेंसी निकली, कई पेपर लीक हो गए, इस सरकार से युवाओं को भी बहुत नुकसान हुआ। जो बेचारे जो युवा व्यक्ति हैं जो पढ़ते हैं यहाँ पर आकर, वो उनका नुकसान हुआ, उनके परिवार द्वारा जो पैसे खर्च किए गए उन सब चीज़ों का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के युवाओं को रोज़गार चाहिए, स्पोर्ट्स में उनको आगे आना है, उनको सुरक्षा चाहिए, और इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, पेपर लीक का मामला है। कुल मिलाकर के युवा जो इस बार वोट करने वाला है वो उन मुद्दों पर वोट करेगा ताकि उनकी सुरक्षा हो, उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें नई नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले, और इसी अवसर के साथ ही जो शहर के और जो प्रमुख मुद्दे हैं वो भी इस पर हावी रहने वाले हैं।